नमस्कार फ्रेंड्स, ऑनलाइन टेक सब कुछ हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में SBI CSP के लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज निकल के आ गई है। यहाँ पे हम अब SBI CSP से बहुत सारे चीज़ें जो ऑप्शन है वो इनेबल होने वाले हैं बहुत जल्द, जैसे कि हम चेकबुक इशू कर पाएंगे अपने CSP पोर्टल से, यहाँ तक कि हम ATM भी ब्लॉक कर पाएंगे अपने CSP पोर्टल से और हम नेफ्ट भी कर पाएंगे अपने CSP पोर्टल से। इसकी हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कल जो वीडियो पोस्ट किया था उसमें मैंने बताया था कि जो कमीशन से रिलेटिव अपडेट आया था उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रंट पेज का बताया था, और मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट मैं वीडियो लाऊंगा एक एक पार्ट को मैं कवर करते हुए एक एक प्रोडक्ट का मैं कमीशन बताऊंगा। तो उस वीडियो को मैं बनाते वक्त इसमें बहुत सारे चीज़ें ऐसे हमें मिली जो कि अभी हमारे CSP पोर्टल पे इनेबल नहीं है, लेकिन उसका यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है कि उस पर हमें कितना कमीशन मिलेगा और क्या क्या कमीशन मिलेगा और उसका क्या क्या हम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ये CSP कमीशन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम वीडियो बना ही रहे थे कि यहाँ पे हमें 20 नंबर पे सीरियल नंबर 20 पे आप जाकर के आपके पास अगर ये चार्ट पहुँचा होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 नंबर पे आपको एक ऑप्शन है। यहाँ पे जो कमीशन का स्ट्रक्चर दिया गया है वो क्या है मैं यहाँ पे बता दूँ। यहाँ पे 20 नंबर पे है रिक्वेस्ट फॉर इशू ऑफ चेकबुक ऑफ 10 लीव्स नॉन FI कस्टमर विथ APS। जी हाँ, हम अब नॉन FI यानी कि हम मेन ब्रांच के कस्टमर का हम चेकबुक इशू कर पाएंगे APS ऑप्शन के थ्रू। जी हाँ, अब बहुत ही बढ़िया ये गुड न्यूज़ है। और इस पे चार्जेज क्या होंगे सब यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे रिकवरी फ्रॉम कस्टमर, यहाँ पे जो है क्या है चार्ज क्या है, कितना पेज का हम चेकबुक इशू कर पाएंगे, यहाँ पे सारी चीज़ मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे हम 10 पेज का जो है चेकबुक इशू कर पाएंगे फाइनेंशियल ईयर, अगर एक साल का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 10 पन्ने का उसको बैंक जो है फ्री देती है चेकबुक 10 पन्ने का। अगर उससे अधिक का अगर वो अप्लाई करता है, उसके बाद अगर अप्लाई करता है, अगर वो 10 पन्ने का और अप्लाई करता है तो जो उसका चार्ज है वो ₹40 प्लस GST कटेगा, और प्लस अगर 25 पेज का वो चेकबुक अगर इशू कराएगा तो ₹75 प्लस उसका GST चार्ज कटेगा। और यहाँ पे 21 नंबर पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर अ स्टॉप चेकबुक। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति आ जाता है कि उसका चेकबुक खो गया है तो वो अपने चेकबुक को यहाँ स्टॉप करा सकता है हमारे CSP पोर्टल से। तो ये बहुत ही हमारे लिए गुड न्यूज है हमारे सभी CSP भाई के लिए, ताकि ये जो दो ऑप्शन है इसको हमें एक तरह से जब CSP को बोला जा रहा जी CSP को आउटलेट को मिनी ब्रांच में बदलने के लिए बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि अब जल्दी हमारा जो CSP पोर्टल है या CSP आउटलेट है अब मिनी ब्रांच के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस ऑप्शन से लग रहा है कि हमारा जो बहुत सारी चीज़ें अभी अपडेट होना बाकी है हमारे CSP पोर्टल में। वहीं पे हम 22 नंबर पे आते हैं तो यहाँ कमीशन मैं आपको बता दूँ, जब हम चेकबुक इशू करेंगे उसका पर अप्लाई का जो है ₹5 हमें कमीशन मिलेगा, और वहीं पे स्टॉप का है जो मिनिमम ₹2 है और मैक्सिमम जो है कमीशन ₹5 का है। वहीं पे हम 22 नंबर पे आते हैं तो यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग ऑफ रुपए ATM कार्ड, यहाँ पे जो रुपए ATM कार्ड है उसको हमें ब्लॉक करने का ऑप्शन हमारे CSP में जल्द ही इनेबल हो जाएगा, जिसका उसका कमीशन है ₹2 पर ब्लॉक। उसके बाद यहाँ पे हम जो नेक्स्ट अपडेट अच्छी लगी हमें वो नेफ्ट का है। नेफ्ट, अब जी हाँ, अगर हम अपने CSP से अब हम आने वाले समय में बहुत जल्द ही नेफ्ट भी कर पाएंगे। नेफ्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे CSP के लिए, क्योंकि जो नेफ्ट और RTGS की चार्ज होता है वो बहुत ही कम होता है IMPS और मनी ट्रांसफ़र के तुलना में जो नेफ्ट का चार्ज है बहुत ही कम होता है। और बहुत सारे हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं जो
इसलिए पैसा नहीं जमा कर पाते हैं कि चार्ज को वो देखते हैं कि ज़्यादा लग रहा है, इसलिए हमारे यहाँ पैसा नहीं जमा करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है जो नेफ्ट का है कि अब हम अपने CSP पोर्टल से नेफ्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं किन किन कस्टमर का हम नेफ्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे 23 नंबर पे हम जैसे ही देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है नेफ्ट बाय ट्रांसफ़र अप टू 10,000, यानी कि हम 10,000 तक नेफ्ट कर पाएंगे अपने CSP पोर्टल से। यहाँ पे दिया हुआ है चार्जेज के बारे में, यहाँ पे देख लेते हैं रिकवरी फ्रॉम कस्टमर अप टू 10,000, यहाँ पे जो है 2 रुपये मिनिमम है प्लस GST 10,000 और एवव 10,000 से एवव है 4 रुपया प्लस GST। तो ये IMPS और मनी ट्रांसफ़र की तुलना में बहुत ही कम चार्ज है। और जो हमारे यहाँ कैश डिपॉजिट का जो हमें किल्लत रहता है कैश का, वो इससे बहुत ही जल्द हमारे यहाँ दूर हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो हमारे यहाँ से नेफ्ट कराएंगे, बहुत ऐसे जो दुकान वाले होते हैं जो हमारे यहाँ से नेफ्ट अब करा पाएंगे और काफ़ी कम चार्जेज में करा पाएंगे, तो बहुत ही आसानी होगी हमें CSP को ऑपरेट करने में। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हमारे सभी CSP के लिए। और यहाँ पर सारा कमीशन यहाँ पर दिया है पर नेफ्ट हमें 2 रुपीज़ का कमीशन, हालांकि यहाँ पे कम है, लेकिन जो हमारा कस्टमर बेस है अब बढ़ जाएगा इस जो नेफ्ट का। यह इन 4 अपडेट में आपको कौन सी अपडेट बहुत ज़्यादा पसंद आई? मुझे जो पसंद आई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट वो नेफ्ट का है, क्योंकि हम एक नेफ्ट और RTGS, नेफ्ट जो होता है वो कम अमाउंट का होता है, 2 लाख से अगर कम करते हैं तो उसको नेफ्ट करते हैं, और जब 2 लाख से अबव आप करते हैं कोई भी अमाउंट तो वो क्या होता है RTGS होता है। तो नेफ्ट अब कर पाएंगे उसका क्या ऑप्शन आता है, मैं बहुत ही जल्द आपको वीडियो में बताऊंगा। और जहां हमें कन्फ्यूजन अभी बना हुआ था कि जो हमें यहां पे 24 नंबर को हम देखते हैं, तो यहां पे बहुत अभी कन्फ्यूजन बना हुआ था कि जो लोन रिकवरी का वर्क आया है उस पर कमीशन क्या है, तो यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया गया है उसको 0.50 जो परसेंट है, जो भी हम अमाउंट जमा कराएंगे उसका इतना परसेंट हमें मिलेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है, नेफ्ट कर पाएंगे हम अपने CSP से। यहाँ ATM कार्ड को हम ब्लॉक कर पाएंगे अपने CSP पोर्टल से, और यहाँ तक कि चेकबुक, अगर पेमेंट किसी भी कस्टमर का अगर चेकबुक खो जाता है तो उसका हम चेकबुक भी इशू कर पाएंगे अपने CSP पोर्टल से, और उसका चेकबुक का पेमेंट भी हम रोक सकते हैं अगर कस्टमर। लेकिन ये सब चेकबुक जो इशू होगा वो केवल non-FI कस्टमर का है, यानी कि हम लिंक ब्रांच के कस्टमर का या बड़े ब्रांच का कस्टमर का हम चेकबुक इशू कर पाएंगे। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम CSP भी अपने अकाउंट का चेकबुक दे पाएंगे, अभी ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है, मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण वीडियो को अगर आप पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कुछ ऐसे ही अपडेट आते रहते हैं इस चैनल पर मैं अपलोड जल्द से जल्द करने की कोशिश करता हूँ। तो इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण वीडियो से मैं अवगत कराऊंगा आने वाले दिनों में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ।